हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ऊजनेसिस के बारे में। ऊजनेसिस के जो फिनोमेना थी वो हमने देखा कि एम्ब्रियोनिक जो फेज होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है और प्यूबर्टी में आके कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ओवरऑल एक ओवरव्यू देखें तो हमने क्या देखा कि जो प्री मॉडल फॉलिकल्स थी ऊजनेसिस के अंदर, प्रीमोडियल जो फॉलिकल्स हैं उनका, यानी कि जिनको PGC सेल्स बोला जाता है, ठीक है, इनसे क्या डेवलप होती है, प्राइमरी ओसाइट जो कि अपना एक साइज इंक्रीज कर लेती है। और प्राइमरी ओसाइट जो है वो बेसिकली प्रोफेज में आगे क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। एक ओवरव्यू एज देख रहे हैं हम, तो जो प्राइमरी ओसाइट है अगर उनके नंबर की बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर अगर हम बात करें और वहाँ से लेके प्यूबर्टी तक उनकी जो नंबर है उनमें काफ़ी रिडक्शन होता है। लगभग 7 मिलियन जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होती है और प्यूबर्टी में आते आते वो अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख के अप्रॉक्स रह जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो प्राइमरी ओसाइट है फिर वो किससे कवर्ड रहती है, प्राइमरी फॉलिकल ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल बनती हैं, ठीक है, और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्राइमरी ओसाइट ही प्रेजेंट होती है और प्राइमरी ओसाइट जो है वो प्रोफेज में यहाँ पे क्या रहती है, अरेस्टेड रहती है। तो यहाँ पे क्या होती है, प्राइमरी ओसाइट है यहाँ पे भी और अरेस्ट है इन प्रोफेज में। ठीक है, और ये ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम पे ही इसका फॉर्मेशन होता है। अगर प्राइमरी फॉलिकल का नंबर पूछा जाए तो इसका अप्रोक्सीमेटली जो नंबर है वो 1,20,000 से लेके 1,60,000 के अप्रोक्स जो है इनका नंबर आता है, क्योंकि इनके नंबर पे भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किए थे। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या है कि हर एक मेनस्ट्रल साइकिल के टाइम पे लगभग 6 to 10 प्राइमरी फॉलिकल जो होती है वो एक्टिवेट की जाती है FSH के थ्रू, तो इसीलिए इनका नंबर काफ़ी कम होता जाता है ड्यूरिंग ईच मेनस्ट्रल साइकिल। 6 to 10 प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं आर एक्टिवेटेड बाय FSH। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और सेकेंडरी फॉलिकल का नंबर जो है काफ़ी कम होता है, 1 से 2 ही रह जाता है एक साइकिल के अंदर। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी ओसाइट है। ठीक है, और अभी भी किस फेज में है, प्रोफेज में प्रेजेंट है। और अब यहाँ पे आप देखोगे कि हर एक मेनस्ट्रल साइकिल में जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो एक ग्राफिन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। देन हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जो सेकेंडरी फॉलिकल है फिर वो कन्वर्ट होती है एक मैच्योर फॉलिकल में, एक मैच्योर, या तो आप इसको टर्शरी फॉलिकल बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको ग्राफिन फॉलिकल भी बोल सकते हो। नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो ग्राफिन फॉलिकल का नंबर एक साइकिल के अंदर एक ही बनता है, मेनस्ट्रल साइकिल के अंदर अगर हम बात करें, बोल दो हम डिस्कशन करेंगे साइकिल को कंप्लीट, ठीक है, तो इसका नंबर क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, अब जो ये ग्राफिन फॉलिकल है इसके अंदर बेसिकली सेकेंडरी ओसाइट की प्रेजेंस है, क्योंकि तब तक मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी ओसाइट फिर आके किस में अरेस्ट हो जाती है, मेटाफेज के अंदर।
उसके बाद हम देखते हैं कि ओवुलेशन की फिनोमेना कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दो केसेस देखते हैं कि जो ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन होगा और जिससे सेकेंडरी जो ओसाइट है मेटाफेज में जो रहती है, अब वहाँ पे मतलब वो रिलीज हो जाती है और फिर वो आगे किसके अंदर पहुँचती है, वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंट्री करती है। तो जो सेकेंडरी ओसाइट है जो कि मेटाफेज में है, अब किस में जाएगी ओवुलेशन के बाद में, इन एम्पुला, पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे जाके वो वेट करती है स्पर्म का और फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाती है, ठीक है। ये तो थी आगे की बात, लेकिन अगर हम देखें कि ओवरी के अंदर क्या होता है, तो ओवरी के अंदर हम बात करें इन ओवरी, ओवरी में जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि रप्चर ग्राफियन फॉलिकल है, क्योंकि अब ओवरी में और यूट्रस में तो अलग अलग जगह कहानी चलती है। अब ये आगे किसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो ये आगे कार्पस हिमोरेंजिकम, यानी कि ब्लड इनिशियल स्टेज माने जाते हैं इसको, कार्पस ल्यूटियम की इनिशियल स्टेज ऑफ कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। उसके बाद में फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये कार्पस ल्यूटियम फिर प्रेगनेंसी पे डिपेंड करेगा कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तब इसका क्या होगा, और नहीं होगी तब इसका क्या होगा। इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, तो एम्पुला के अंदर अब आगे की जो फिनोमिना है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फर्टिलाइजेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन रहेगी किसके बेसिस पे, फर्टिलाइजेशन के। तो आप देखते हो कि फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे क्या होगा, कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है यस, देन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा, पहली चीज, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सिनगैमी परफॉर्म की जाएगी, ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, और जब सिनगैमी परफॉर्म की जाएगी, यानी कि आप पहले ये समझो कि यहाँ पे जैसे ही सेकंड मियोसिस कंप्लीट होता है तो यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन होगा, और ओवम के साथ स्पर्म आके फ्यूज होंगे जिससे सिनगैमी होगी, और सिनगैमी का रिजल्ट होगा जायगॉट का फॉर्मेशन, ठीक है। जायगॉट फॉर्म होगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब ऐसे केस के अंदर प्रेगनेंसी क्या होगी, कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी है, यानी कि इस केस में हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी यस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो प्रेगनेंसी हो गई। तो प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो क्या होता है, जो कार्पस ल्यूटियम है ये स्टेबल रहेगा टिल पार्टुरेशन, किसके थ्रू, बाय HCG। HCG एक्चुअली ह्यूमन कोरियोनोट्रॉपिक हार्मोन है जो कि प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज किया जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी होगी तो प्लेसेंटा बनेगा ही बनेगा। लेकिन सेकेंड केस देखें कि अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो क्या होगा, तो जो सेकेंडरी ओसाइट है वो एम्पुला के अंदर ही क्या हो जाएगी, डीजनरेटेड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वहां से डीजनरेट होते होते यूट्रस के अंदर आ जाएगी, और यूट्रस की जो वॉल होती है एंडोमेट्रियम, उसके साथ फ्यूज होके डिसॉल्व होके बॉडी से बाहर चली जाएगी।
ठीक है, ओवरऑल हम बात करें सेकेंडरी ओसाइट डिजनरेट हो जाती है एम्पुला से होते होते यूट्रस और यूट्रस की लाइनिंग के साथ ही वो एज ए मेनस्ट्रुअल फ्लूइड के फॉर्म में बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो अब ऐसे केस के अंदर प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हुई है, तो प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो क्या होगा? नो प्रेगनेंसी देन जो कार्पस ल्यूटियम है वो भी क्या हो जाएगा? डीजनरेटेड। और डीजनरेट हो गए वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्पस एल्बिकेंस में। ठीक है, और कार्पस एल्बिकेंस जो है, कार्पस ल्यूटियम तो एज ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड के फॉर्म में कंसिडर की जाती है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन करके रखता है, जब तक प्रोजेस्टेरोन रहेगा यूट्रस की वॉल जो है एंडोमेट्रियम वो मेंटेन रहती है। जैसे ही कार्पस एल्बिकेंस कन्वर्ट होता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाएगा, एंडोमेट्रियम वॉल की शेडिंग हो जाती है। तो आप देखते हो कि इस तरीके से जो ऊजनेसिस के फिनोमिना हमें देखने को मिलती है, कंप्लीट ऊजनेसिस की फिनोमिना हमने डिस्कशन किया यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें होंगी, लेकिन अभी हमें यहाँ पे देखना है कि कार्पस एल्बिकेंस बना फिर कैसे हुआ और किस तरीके से ये डीजनरेट हो जाते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें बाहर की तरफ निकलती है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि एक साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस साइकिल को हम बोलते हैं मेनस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि मेनस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की अगर हम बात करें तो दो टाइप के बेसिकली साइकिल्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इन मेमेलियन फीमेल। ठीक है, तो कौन कौन से हैं उन दोनों साइकिल के नाम देखिए। तो एक साइकिल जो है वो है एस्ट्रस साइकिल और जो सेकंड साइकिल है वो है मेनस्ट्रुअल तो दो तरह की ये साइकिल बेसिकली हम देखते हैं। एस्ट्रस साइकिल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर के अंदर उन्होंने थोड़ा इसका मेंशन किया है, सेकंड थर्ड चैप्टर में इसको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया गया, सिर्फ आपके एनसीईआरटी में मेनस्ट्रुअल साइकिल को ही डिटेल में दिया, लेकिन हम एस्ट्रस साइकिल के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है और इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं। तो मेनस्ट्रुअल साइकिल से पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एस्ट्रस साइकिल। ठीक है, तो एस्ट्रस साइकिल की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये किस में प्रेजेंट होता है? तो इट अकर्स इन नॉन प्राइमेट फीमेल्स, नॉन प्राइमेट फीमेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और एस्ट्रस साइकिल के ही बेसिस पे जो नॉन प्राइमेट फीमेल है ये दो टाइप में डिवाइड हो जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट फीमेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो मेन टाइप्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये कौन कौन से टाइप्स हैं अगर हम देखें यहाँ पे दो टाइप्स हमारे सामने आएंगे, एक तो है मोनोएस्ट्रस, काफ़ी बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड, मोनोएस्ट्रस साइकिल मोनोएस्ट्रस फीमेल, और एक होता है पॉली एस्ट्रस फीमेल। ठीक है, तो वैसे तो इनके नाम से ही बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, मोनो का मतलब होता है
एक तो ये जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं ये कुछ ऐसे सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, तो कुछ सीजन होता है, कुछ पर्टिकुलर पीरियड होता है, उसी पीरियड के अंदर ये रिप्रोडक्शन की जो फिनोमिना है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मैमल जो होते हैं उनकी तरह नहीं होते कि लाइफ मतलब रिप्रोडक्टिव जो फेज है उसके दौरान ये कभी भी रिप्रोडक्शन करे, ऐसा नहीं होता, एक पर्टिकुलर पीरियड एक पर्टिकुलर सीजन ही होता है। तो मोनो एस्ट्रस फीमेल कौन सी होती हैं, ये सिर्फ एक ही बार, मोनो का मतलब क्या होता है, वन। ठीक, तो एग्जिबिट ओनली वन एस्ट्रस साइकिल ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन के दौरान सिर्फ एक ही बार ये क्या करते हैं, वन टाइम ही ये मोनोस्ट्रल साइकिल को रन करते हैं, एस्ट्रस साइकिल को। तो एग्जांपल यहाँ देखें तो रैबिट, डॉग, फॉक्स, बैट, डियर एक्सेट्रा, ये यहाँ पे कॉमन एग्जांपल है जो कि पूछे गए हैं। रैबिट और डॉग फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, जबकि पॉलीएस्ट्रस नाम से पता चल गया होगा ये बहुत बार, एक से ज्यादा बार एग्जिबिट मोर देन वन एस्ट्रोसाइकिल ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल आएंगे वो है रैट, कैट, काउ, पिग, हॉर्स, शीप एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो टाइप की फीमेल्स हमने देखी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो साइकिल है वो कितने फेजेस में और किस तरीके से कंप्लीट होता है। तो एस्ट्रस साइकिल जो है बेसिकली प्रो एस्ट्रस, एस्ट्रस एंड पास्ट या पोस्ट एस्ट्रस फेज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि एस्ट्रस साइकिल किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो एस्ट्रस साइकिल इज क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग फेजेस। ठीक है, तो अगर हम देखें जैसे कि मेनस्ट्रुअल साइकिल अलग रहता है, यहाँ पे कौन कौन सी फेजेस है, तो पहली जो फेज है यहाँ पे वो रहती है प्रो एस्ट्रस फेज। सेकेंड जो फेज आती है वो है एस्ट्रस फेज, और थर्ड जो रहती है वो है पोस्ट एस्ट्रस फेज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रो एस्ट्रस फेज। इस फेज के दौरान क्या होता है, प्रो एस्ट्रस फेज के दौरान ये सबसे छोटी फेज रहती है, स्मॉलेस्ट फेज है। ठीक है, जिसके अंदर ओजेनेसिस स्टार्ट होता है, बहुत छोटी सी फेज होती है और इन विच ओजेनेसिस आकर। ठीक है, उसके बाद में इस स्टेज में बेसिकली रैपिडली फॉलिकुलर ग्रोथ बनती है और ग्राफिन फॉलिकल इसमें फॉर्म होती है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इन दिस स्टेज रैपिडली फॉलिकुलर
ग्रोथ अकर सो ग्राफियन फॉलिकल इज फॉर्म्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है सेकेंड फेज, वो है एस्ट्रस फेज। एस्ट्रस फेज के अंदर बेसिकली एक हार्मोन है जो कि सेक्स हार्मोन आप सब जानते हो, एस्ट्रस या एस्ट्रोजन, ये अपना लेवल इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे कि जो एस्ट्रस फेज होती है इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे ही एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा तो यहाँ पे कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन की जो फिनोमिना होती है वो इंक्रीज होएगी और ये जो होता है हीट पीरियड को इंड्यूस करता है। बेसिकली जो एस्ट्रस फेज होता है नॉन प्राइमेट में आप समझते हो, इसके अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ एग बनता है और एग बनने के साथ ही एस्ट्रोजन का लेवल नॉन प्राइमेट फीमेल के ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिससे कि उन फीमेल्स के अंदर एक्साइटमेंट इंक्रीज होती है जो कि फर्टिलाइजेशन कॉपुलेशन के लिए रेडी होती है, तो इस पीरियड को हीट पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे ही एस्ट्रोजन इंक्रीज हुआ दैट मीन एलएच भी इंक्रीज होगा और ओवुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और एंडोमेट्रियम का भी यहाँ पे थिकनेस हमें देखने को मिलती है। तो जो एस्ट्रस फेज बेसिकली मेन फेज माना जाता है क्योंकि इस फेज में जो इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं वो क्या होता है, पहला तो इस फेज के अंदर लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो है वो इंक्रीज्ड हो जाता है। ठीक है, सेकंड इस फेज में कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन वो भी इसी फेज में होता है। अकर्स और इस फेज को आल्सो नोन एज, इस फेज को हम किस नाम से जानते हैं, एज ए हीट पीरियड के नाम से जानते हैं, हीट पीरियड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा यहाँ पे एक और हार्मोन भी बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, एलएच, ये आपको पता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ये भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो एलएच इंक्रीज होते यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है वो है ओवुलेशन। ओवुलेशन भी यहाँ पे होगा, ओवुलेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, अकर्स और इसके अलावा यहाँ पे जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल है वो भी ठीक हो जाती है। सीधी सी बात, जो फीमेल होती है वो रेडी होती है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए, उसके पास एग भी बन चुका है और उसकी एंडोमेट्रियम भी ठीक हो चुकी है और वो फर्टिलाइजेशन और कॉपुलेशन के लिए रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फेज आती है थर्ड फेज, वो फेज होती है पोस्ट एस्ट्रस फेज, पोस्ट एस्ट्रस फेज। ठीक है, इस फेज के अंदर हम क्या देखते हैं, इस फेज में कार्पस ल्यूटियम बन जाएगा, कार्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड जो कि क्या रिलीज करेगा, विच सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो स्टिमुलेट करेगा एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए और प्रिपेयर करेगा इम्प्लांटेशन करने के लिए। तो यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन जो है स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम
एंडोमेट्रियम एंड प्रिपेयर्स इट फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब अगर दो कंडीशन है, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो सारी चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी है, इम्प्लांटेशन के लिए जो यूट्रस है उसके एंडोमेट्रियम भी रेडी हो चुके हैं, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बना हुआ है, अगर फर्टिलाइजेशन होते हैं तो यहाँ पे एम्ब्रियो बन जाएगा और आगे वो फिटस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सेकेंड कंडीशन है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता देन दिस बिकम अ शॉर्ट एंड यहाँ पे जो है ये जो प्रेगनेंसी है यहाँ पे, यानी कि जो यहाँ पे क्रिएटिनाइजेशन हो जाता है, क्रिएटिनाइजेशन का मतलब कि यहाँ पे ये सारे हॉर्मोन्स का लेवल डाउन आ जाएगा और यहाँ पे जो स्टार्टम फंक्शनल हो जाएगा, यानी कि जो नॉर्मल पहले की फंक्शनैलिटी थी वो एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे हॉर्मोन्स का लेवल डाउन होने के बाद में भी फीमेल जो है वो कुछ ऐसे सिम्टम शो करती है जिसे उनको ऐसे फील होता है कि वो भी अभी प्रेग्नेंट है। सो सम टाइम फीमेल्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक शो करती है प्रेगनेंसी के एब्सेंस ऑफ एम्ब्रियो, तो इसको हम स्यूडो प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। जैसे हॉर्मोन्स का लेवल डाउन होगा तो उसके बाद में जो एनेस्ट्रस फेज, यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, और एनेस्ट्रस फेज जो होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है क्योंकि नॉन ब्रीडिंग सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी ऐसे हॉर्मोनल चेंजेस हमें शो नहीं होते हैं। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट कंडीशन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर देन दिस बिकम शॉर्ट शॉर्ट एंड कैरेटिनाइजेशन। ठीक है, सो यहाँ पे हॉर्मोन्स का लेवल डाउन हो जाएगा और जो फेज है वो स्टार्ट हो जाती है, कौन सी, एनेस्ट्रस फेज स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे, जिसको आप डाई एस्ट्रस या फिर एनेस्ट्रस फेज भी बोल सकते हो, डाई एस्ट्रस या फिर एन एस्ट्रस फेज बोला जाता है। ठीक है, तो इस फेज के अंदर नॉन ब्रीडिंग सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है इस फेज में, और ये काफ़ी लॉन्ग फेज कंसिडर की जाती है, यानी कि ये एज काइंड ऑफ नॉन ब्रीडिंग सीजन जो है में, जैसे कि नॉन ब्रीडिंग सीजन यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो नॉन ब्रीडिंग सीजन के अंदर जो फीमेल है वो किस फेज में रहती है, रिमेन इन डायस्ट्रस फेज। ठीक है, सो डायस्ट्रस फेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज मानी जाती है, लॉन्गेस्ट फेज मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि ये दो एस्ट्रस साइकिल के बीच का आप बोल सकते हो कि बीच का फेज है, इंटरफेज भी बोल सकते हो बिटवीन द टू एस्ट्रस साइकिल, क्योंकि हर एक ब्रीड हर एक सीजन में वो ब्रीडिंग तो करती है, तो इस सीजन के अंदर मतलब ब्रीडिंग सीजन में एक बार एस्ट्रस आया, जब नेक्स्ट टाइम जब एस्ट्रस आएगा तो बीच का जो फेज रहता है वो बेसिकली कौन सा होता है, डायस्ट्रस और एनेस्ट्रस। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जो पोस्ट एस्ट्रस के एंड में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तब कभी कभी कुछ फीमेल जो होती है वो एज ए करेक्टरिस्टिक शो करती है, तो कभी कभी जो एस्ट्रस पोस्ट एस्ट्रस फेज के अंदर जो फीमेल होती है वो करेक्टरिस्टिक शो करती है प्रेगनेंसी, क्योंकि हार्मोन लेवल होने की वजह से वहाँ पे उसको ऐसे लगता है कि वहाँ पे प्रेगनेंसी है, तो वहाँ पे बिना एम्ब्रियो के प्रेगनेंसी की अगर करेक्टरिस्टिक फीमेल शो करती है तो इसको हम स्यूडो प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ये था एस्ट्रस साइकिल, जिसको आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि ये आपका जो है
नीट के अंदर या फिर एनसीईआरटी में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो ऑफिशियली रिप्रोडक्टिव साइकिल है ह्यूमन के पर्सपेक्टिव में, वो है मेनस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम साइकिल पढ़ रहे हैं यहाँ पे मेनस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेनस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो इस साइकिल के अंदर काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रहेंगे। पहली बात तो ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है, किसका? फीमेल के अंदर। ये किस में देखने को मिलता है? फीमेल प्राइमेट्स में। ठीक है, क्योंकि एस्ट्रल साइकिल के अंदर जब एनएस्ट्रल साइकिल स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती है, तो नॉन प्राइमेट्स के अंदर वो देखने को मिलता है। जबकि मेनस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो प्राइमेट्स के अंदर देखने को मिलता है, प्राइमेट्स जैसे कि मंकीज हो गए, एप्स हो गए एंड ह्यूमन। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉमन एग्जांपल है जहाँ पे हमें मेनस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस साइकिल का ड्यूरेशन अगर देखा जाए कितना रहता है, ड्यूरेशन इन ह्यूमन, बेसिकली अगर हम ह्यूमन की प्रस्पेक्टिव बात करें तो ह्यूमन में इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 28 टू 29 डेज का रहता है। ऑफिशियली जो एवरेज है वो 28 डेज की ही मानी जाती है। और ह्यूमन के अंदर जो मेनस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के अंदर। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम मेनस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसे मेनार्क के नाम से जाना जाता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मेनार्क। मेनार्क क्या है ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, व्हाट इज अ मेनार्क? तो मेनार्क बेसिकली फर्स्ट मेनस्ट्रुअल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इट इज कॉल्ड मेनार्क। ठीक है, तो इस तरीके से ये था मेनार्क। अब ह्यूमन के अंदर जो मेनार्क का टाइमिंग होता है वो कब है? इन ह्यूमन प्यूबर्टी एज के अंदर होता है, तो दैट मीन ये 12 टू 13 ईयर्स की जब फीमेल हो जाती है तो उसके अंदर हमें फर्स्ट मेनस्ट्रुएशन देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं। और लास्ट यानी कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है मेनस्ट्रुएशन, इसका एक पर्टिकुलर पीरियड रहता है, ये लाइफ टाइम नहीं रहती। स्पर्मेटोजेनेसिस की फिनोमिना तो कंप्लीट रहती है लाइफ टाइम पे, लेकिन फीमेल में ओजेनेसिस की फिनोमिना और मेनस्ट्रुएशन जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही रहता है, जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, यानी कि जब लास्ट फेज रहता है मेनस्ट्रुएशन का, या लास्ट साइकिल क्या कहलाता है यहाँ पे? मेनोपॉज। तो मेनार्क और मेनोपॉज दोनों टर्म ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इट इज द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन मेनस्ट्रुएशन नेचुरली क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाता है। और मेनोपॉज जो है वो बेसिकली कब देखने को मिलता है इन ह्यूमन? इन ह्यूमन फीमेल जो है ये एज रहती है 45 टू 50 इयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से मेनार्क और मेनोपॉज वो ऐसे टर्म्स हैं जो कि मेनस्ट्रुअल साइकिल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो रिप्रोडक्टिव एज अगर मानी पूछी जाए कितनी है, तो मेनार्क से लेके मेनोपॉज तक का जो पीरियड रहता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना रहता है? रिप्रोडक्टिव एज रहती है लगभग 32 ईयर्स तक एवरेज ह्यूमन जो फीमेल है वो रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव रहती है। तो 32 ईयर्स के अंदर बात करें तो हर एक मंथ में एक मेनस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली इन ह्यूमन फीमेल कैन कंप्लीट 400 मेनस्ट्रुअल साइकिल इन हेयर रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली
400 मेनस्ट्रेशन साइकिल माने जाते हैं कि एक फीमेल अपनी लाइफ के अंदर कंप्लीट करती है और रिप्रोडक्टिव एज के दौरान। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो मेनस्ट्रुअल साइकिल है वो बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड है। तो मेनस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका ड्यूरेशन हमें पता है, एक आइडियल रेंज जो मानी जाती है वो 28 डेज की है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि इनके अंदर जो मेनस्ट्रुअल फेज है वो कितने, मेनस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने मतलब फेजेस में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली 3 फेजेस के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं डिवाइड किया गया है। कभी कभी इसको 4 फेज भी मान लेते हैं क्योंकि ओव्यूलेशन को एक अलग फेज के फॉर्म में भी कंसिडर किया जाता है, तो हम उसी को ही इंक्लूड करके चलेंगे तो फिर 4 हो जाएगी। और अगर ओव्यूलेशन को नहीं आप इंक्लूड करते, वो आप एज ए प्रोलिफ्रेटिव में रखते हो, तो वो 3 फेज में डिवाइड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे 4 को अलग अलग करके देखते हैं, अगर 3 दिया हो तो भी वो गलत नहीं होगा। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मेनस्ट्रुअल साइकिल हैज 3 मेन फेजेस, 3 मेन फेजेस। ठीक है, 3 फेजेस, 4 कर लेते हैं हम, ज्यादा सही रहेगा, 4 मेन फेजेस कर लेते हैं। ठीक है, 4 फेजेस कौन कौन से हैं? पहला जो फेज हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं वो है ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज, या फिर इसको मेनस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड फेज आता है उसके काफी सारे नेम है, उसको प्रोलिफरेटिव, ठीक है, सेकंड उसका नाम है प्री ओविलेटरी, ओविलेशन से पहले की फेज है तो इसको प्री ओविलेटरी फेज भी बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल्स डेवलप होती है। ठीक है, और इसको, इसके अलावा आप एस्ट्रोजेनिक फेज भी बोलते हैं, एस्ट्रोजेनिक क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है या इंक्रीज होता है इस फेज के अंदर। अब हमारे पास आता है थर्ड फेज, अगर हम ओव्यूलेशन को एक अलग फेज मान के चले तो ये अपना ओव्यूलेटरी फेज रहता है, ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, ये मैं स्टार लगा देती हूँ क्योंकि इसको प्रोलिफरेटिव का पार्ट भी कंसिडर कर लिया जाए तो 3 रहते हैं, अगर इसको अलग से मानोगे तो फिर मेनस्ट्रुएशन के 4 फेज रह जाते हैं। और फिर आता है फोर्थ फेज जिसको आप सिक्रेटरी फेज के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे सिक्रेशन रहता है, सिक्रेटरी फेज, या फिर इसको पोस्ट ओविलेटरी, या फिर इसको ल्यूटियल फेज के नाम से इसको जानते हैं, या फिर इसको प्रो प्रोजेस्ट्रोनिक क्योंकि प्रोजेस्ट्रोन का लेवल इस फेज में इंक्रीज रहता है तो माना जाता है। तो इस तरीके से ये 4 फेजेस रहते हैं जो कि हमें डिस्कशन करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लीडिंग फेज। ठीक है, तो ब्लीडिंग फेज जो है जिसको मेनिसेंस या फिर मेनस्ट्रुअल फेज के फॉर्म में कंसिडर किया जाता है, तो हम यहाँ पे सबसे पहला फेज देख रहे हैं, फर्स्ट फेज जो कौन सा है, ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज। ठीक है, तो हर एक फेज का पर्टिकुलर पीरियड होता है, तो ब्लीडिंग फेज जो है वो बेसिकली 4-5 डेज कंसिडर किया जाता है कि 4-5 डेज का रहता है ये मेनस्ट्रुअल फेज, इसका सेकंड नेम है, इसको हम एज ए मेनस्ट्रुअल फेज कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको मेंसेस फेज भी बोला जाता है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे साइकिल क्या होता है, स्टार्ट होता है और इस
फेस के अंदर जो ब्लीडिंग है वो वेजाइना के थ्रू एंडोमेट्रियम वॉल जो होता है उसकी शेडिंग होती रहती है, और ब्लड के फॉर्म में 3 to 5 मतलब मिनिमम 4, 3 to 5 भी हो सकता है, या 4 to 5 डेज के अंदर लगातार यहाँ पे ब्लीडिंग होती रहती है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हार्मोनल चेंजेस क्या रहता है, और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि ओवेरियन और यूट्राइन चेंजेस क्या रहते हैं, क्योंकि हम अलग अलग चीज़ें यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। तो इस फेज़ के दौरान पहली चीज़ क्या होती है, इस फेज़ के दौरान यूट्रस की बात करें पहले हम यहाँ पे हॉर्मोन्स देखते हैं, हॉर्मोन्स का लेवल क्या रहता है इस फेज़ के दौरान। तो पहले देखते हैं हॉर्मोनल चेंजेस इस फेज के अंदर, हॉर्मोनल चेंजेस क्या क्या आते हैं। तो आप यहाँ पे हॉर्मोनल चेंजेस के बारे में देखोगे तो यहाँ पे GnRH, FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, सारे के सारे हॉर्मोन जितने भी हैं उन सब का लेवल क्या हो जाएगा यहाँ पे, डाउन हो जाता है आर लो। अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करें, लेकिन टर्मिनल स्टेज जैसे ही आएगी तो क्या होता है कि जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अगर इनका लो लेवल जब डाउन हो जाता है तो यहाँ पे ये नेगेटिव फीडबैक जनरेट करेंगे, और जिससे कि FSH, LH और GnRH क्या हो जाता है वो इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि लास्ट फेज में, क्योंकि जब सेकेंड फेज स्टार्ट होगा फॉलिकुलर फेज, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ इनिशियल स्टेज की बात करनी है ब्लीडिंग फेज की, तो पहले इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो आप देखते हो कि मेनेस्ट्रल या मेंसिस फेज बोला जाता है, हॉर्मोनल चेंज में सारे हॉर्मोन्स का लेवल क्या हो गया यहाँ पे, डाउन हो गया। अब हम देखते हैं कि ओवरी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ओवेरियन चेंजेस की अगर हम बात करें तो इस फेज में क्या होता है, इस फेज में कंप्लीट डीजनरेशन हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम का और कार्पस एल्बिकेंस का, यहाँ पे क्या होता है प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो इस फेज में कंप्लीट डीजनरेशन है किसके अंदर, ऑफ कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। और यहाँ पे हमें किसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है, प्रेजेंस ऑफ कार्पस एल्बिकेंस, ठीक है। ये तो था ओवरी के अंदर। अब हम देखते हैं कि यूट्रस के अंदर क्या होता है, यूटेराइन चेंजेस क्या क्या देखने को मिलते हैं इस फेज में, यूटेराइन चेंजेस। तो यूट्राइन चेंजेस के अंदर क्या होता है, इस चेंज के अंदर बेसिकली कंटिन्यूसली मेनस्ट्रेशन का जो फ्लो होता है तो एंडोमेट्रियम वॉल होती है यूट्रस की, वो ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्लड के फॉर्म में वो वेजाइना से होते हुए बाहर निकलती है, ठीक है। तो उसके अंदर नॉन फंक्शनल या फिर डीजनरेटिव सेकेंडरी ऊसाइट या फिर आप एग वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली इस तरीके से ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस फेज के अंदर दो तीन चीज़ें होती है। यहाँ पे आप देखोगे, एक तो सारे हॉर्मोन्स का लेवल डाउन होने की वजह से यूट्रस के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन हॉर्मोन, जो लोकल हॉर्मोन है, वो इंक्रीज हो जाएगा, और उसके इंक्रीज होने से प्रोस्टाग्लैंडिन जो क्या करता है वो कंट्रैक्शन करेगा मायोमेट्रियम के अंदर, और मायोमेट्रियम के कंट्रैक्शन होने से कि जो एंडोमेट्रियम यानी कि डेड एंडोमेट्रियम टिश्यूज होंगे वो ब्लड के फॉर्म में यूट्राइन कैविटी से वेजाइना के थ्रू बाहर निकलते रहेंगे, और ये जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यूसली 4 to 5 डेज में रहती है। यहाँ पे क्लोटिंग जो है ब्लड की नहीं होती है, क्योंकि फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम की प्रेजेंस रहती है, इसकी वजह से लगातार यहाँ पे क्या होती रहती है, ब्लीडिंग होती रहती है। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो ये यूट्रस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब क्या है जो सेक्स हॉर्मोन्स है उनका लेवल डाउन होने से प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो फॉर्म होता है यूट्रस के अंदर। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यूट्रस में क्या होगा, पहली चीज़ तो आप यहाँ देखोगे
ड्यू टू विड्रॉल ऑफ सेक्स हॉर्मोन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन आपको पता है कि एक लोकल हॉर्मोन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन, ये बनता है आर फॉर्म्ड इन यूट्रस, ठीक है। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन हॉर्मोन है वो किस तरीके का हॉर्मोन है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो एक वैसो कंस्ट्रिक्शन हॉर्मोन है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हॉर्मोन है, और ये क्या करता है कि ब्लड स्प्लाइन क्री जो है वैसो कंस्ट्रिक्शन है, तो ये जो है ब्लड सप्लाई जो है वहाँ पे देखने को मिलती है, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो करता क्या है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन ऑल्सो कोज कंट्रैक्शन, किसके अंदर, ऑफ मायोमेट्रियम में, ठीक है। और ये किस में लीड करेगा, विच लीड्स टू सॉलिंग ऑफ डेड एंडोमेट्रियम टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड के साथ जो डेड एंडोमेट्रियम टिश्यू विद ब्लड कहाँ से, फ्रॉम यूटेराइन कैविटी थ्रू वेजाइना, ठीक है। कंटिन्यूसली इस तरीके से ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग कब से कब तक रहेगी, जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यूस अप टू 4 to 5 days, एंड क्लॉट करते हैं डज नॉट अकर, यहाँ पे क्लॉटिंग जो है वो नहीं होती, डज नॉट अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनो एंजाइम, ठीक है, फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम्स की प्रेजेंस से यहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होती। अदरवाइज आपने देखा है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होती है तो क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि जब यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल की शेडिंग हो रही है तो वो रुक क्यों नहीं रही है, वहाँ पे क्लॉटिंग क्यों नहीं हो रही है। रीज़न है कि वहाँ पे फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम की प्रेजेंस से वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं होती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एवरेज 40 to 80 ml जो ब्लड है वो लॉस होता है पर साइकिल, ठीक है, 40 to 80 ml ब्लड का यहाँ पे क्या होता है, पर साइकिल में लॉस रहता है। तो इस तरीके से जो है इनिशियल स्टेज में तो ब्लीडिंग काफ़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे ब्लीडिंग फेज की टर्मिनल स्टेज आती है तो उस ड्यूरेशन के अंदर धीरे धीरे जो यूट्रस के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। तो हम यहाँ पे टर्मिनल स्टेज के बारे में और बता दूँ, तो जो टर्मिनल
स्टेज है ब्लीडिंग फेज की, वहाँ पे GnRH इंक्रीज हो जाएगा, FSH भी इंक्रीज हो जाएगा, LH भी इंक्रीज हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो फॉलिकल्स है वो स्टिमुलेट होंगी, यानी कि प्राइमरी जो फॉलिकल होंगी वो स्टिमुलेट होंगी। यहाँ पे बनना स्टार्ट तो हुई रखी है, मतलब बनी हुई तो है, लगभग 6 से 12 स्टिमुलेशन यहाँ पे मिलता है प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर आर स्टिमुलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये यूट्रस की अगर बात करें तो यूट्रस के अंदर क्या होगा, यूटेराइन जो ब्लीडिंग है वो डाउन हो जाएगी, इज रिड्यूस। तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पे जो पहली फेज है ब्लीडिंग फेज कंप्लीट होती है। दोबारा से देख लो ब्लीडिंग फेज में क्या होता है, 4 से 5 दिन की ब्लीडिंग फेज रहती है, इसको मेनस्ट्रुअल फेज या मेंसेंस फेज बोला जाता है। इस फेज के अंदर हार्मोनल अगर हम देखें क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस के अंदर GnRH, FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब का लेवल डाउन हो जाएगा। इनके डाउन होने से क्या चीज़ें आएंगी, इनके जैसा ही इनका लेवल डाउन हो जाता है उसके बाद में आप देखते हो कि इनके अंदर हार्मोनल चेंजेस तो आते ही आते हैं, ओवेरियन और फॉलिकुलर चेंजेस भी यहाँ पे कंटिन्यूसली देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओवेरियन चेंजेस की बात करें तो ओवेरियन चेंजेस में आप देखते हो यहाँ पे कि जो कंप्लीट डिग्रेशन हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम का और कार्पस एल्बिकेंस की यहाँ पे हमें प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यूटेराइन चेंजेस क्या होते हैं, तो यूट्रस के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगी जो कंट्रैक्शन करवाएगा मायोमेट्रियम में, जिससे कि जो डेड एंडोमेट्रियम टिश्यू है वो ब्लड के साथ यूटेराइन कैविटी से वजाइना के थ्रू बाहर निकलेंगे, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है। क्लोटिंग नहीं होगी क्योंकि फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम की प्रेजेंस रहती है। और ब्लीडिंग की बात करें तो एवरेज 40 मिनिमम और मैक्सिमम 80 ml ब्लड यहाँ पे लॉस होता है इनिशियल स्टेज ऑफ ब्लीडिंग फेज की। टर्मिनल स्टेज जब आती है तो उस ड्यूरेशन में जो GnRH हार्मोन, FSH, LH इनका लेवल यहाँ पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिससे कि प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर स्टिमुलेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है और वो फिर प्रमोट करती है सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन और यहाँ पे ब्लीडिंग भी थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड फेज आता है और वो है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज की बात करें, फॉलिकुलर फेज, ठीक है, तो भाई फॉलिकुलर फेज जो है इसके अलग अलग नेम है, इसको प्रोलिफरेटिव भी बोला जाता है, एस्ट्रोजेनिक प्री ओविलेटरी फेज के नाम से भी जाना जाता है। फॉलिकुलर नाम से पता चल गया, मतलब अब मान लो हमने 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक ब्लीडिंग फेज रही है, तो 6th डे से यानी कि 6 तारीख से फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होगा और फॉलिकुलर जो फेज है वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13 जो डेट है तब तक माना जाता है। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, और 13, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 10 डेज का रहता है, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज का ड्यूरेशन अगर देखा जाए, ड्यूरेशन वो 8 to 10 days का रहता है, ठीक है, ड्यूरेशन। और फॉलिकुलर फेज स्टार्ट कब होगी, अप्रॉक्सीमेटली 6th डे और इसका एंड ओवुलेशन पे होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर हम देखें एंड इसका अप्रॉक्सीमेटली 13th डे है अगर 14th दिन यानी कि 14th डे ओवुलेशन हो जाता है तो। एक आइडियल साइकिल में 14th डे ओवुलेशन का डे माना जाता है, तो फिर जो फॉलिकुलर फेज है उसका एंड जो है 13th डे होगा। और अगर
इरेगुलर साइकिल है तो वहाँ पे वेरिएशन आ सकती है. ज़रूरी नहीं है कि 14th डे पे ही ओवुलेशन होगा. मैक्सिमम चांसेस जो आइडियल साइकिल के वो 14th डे पे ही रहते हैं. ठीक है, तो अब इस फेज के क्या क्या नेम है वो अगर हम देखें तो अदर नेम की बात करें इसको प्रोलीफेरेटिव ठीक है, और इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको एस्ट्रोजेनिक. प्रोलीफेरेटिव के अलावा इसको एस्ट्रोजेनिक फेज भी बोलते हैं, या फिर इसको प्री ओविलेटरी, क्योंकि मैंने बोला ना 14th डे तो क्या हो जाता है, ओविलेशन हम कंसिडर करते हैं, ओविलेटरी फेज बोला जाता है. ठीक है, अब इसके इनिशियल डेज में क्या होगा तो, या इस फेज के अंदर क्या होता है हम देखते हैं. तो इस फेज के अंदर GnRH का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा. यानी कि सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस. ठीक है, हार्मोनल चेंजेस की बात करें तो इस फेज में क्या होता है, GnRH इंक्रीज, FSH भी इंक्रीज, LH भी इंक्रीज और एस्ट्रोजन भी इंक्रीज होता है. ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे देखें कि जो ओवेरियन चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे. ओवेरियन चेंजेस की अगर हम बात करें तो इन चेंजेस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ओवेरी के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफियन फॉलिकल फॉर्मेशन होता है. ठीक है, अब यहाँ पे टर्सरी को है बेसिकली हम ग्राफियन फॉलिकल भी कंसिडर कर सकते हो, जहाँ पे हम प्राइमरी के अर्लियर हो और लेट स्टेज अगर आप कंसिडर करते हो तो. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लेते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी फॉलिकल, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल. और नंबर की बात करें तो ये एक नंबर में होती हैं. प्राइमरी फॉलिकल 6 to 12 रहती हैं और सेकेंडरी फॉलिकल का जो नंबर होता है वो डाउन होता है. अप्रॉक्सीमेटली जो सेकेंडरी फॉलिकल की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कम हो जाती है, 1 to 2 ही रह जाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, 1 to 2, और ग्राफियन फॉलिकल का जो नंबर है वो 1 ही रहता है. ठीक है, तो इस तरीके से ओवरी के अंदर ये सारी फिनोमिना हमें देखने को मिलती है. तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन तीनों के अंदर तो बेसिकली प्राइमरी ऊसाइट और जबकि ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी ऊसाइट की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है, जो कि आपने ऊजेनेसिस के अंदर देखा था. उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूटेराइन चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं. यूटेराइन चेंजेस की बात करें तो यहाँ क्या होगा, यूटेराइन चेंजेस में यहाँ देखते हो कि बिल्कुल जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो चुकी है. यूटेराइन ब्लीडिंग क्या होगी, टोटली स्टॉप्ड. ठीक है, दूसरा यहाँ पे एंडोमेट्रियम जो है उसके अंदर थिकनेस या रिपेयर दोनों बोल सकते हैं, यानी कि एंडोमेट्रियम जो है उसके अंदर हमें थिकनेस और उसके अंदर एस्ट्रोजन की प्रेजेंस से यहाँ पे रिपेयरिंग भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है. तो आप यहाँ देखोगे कि जो एस्ट्रोजन है वो बेसिकली क्या करेगा, रिपेयर करेगा एंडोमेट्रियम वॉल को और प्लस उसको थिक करेगा. ठीक है, तो एंडोमेट्रियम में क्या होगा, वो रिपेयर होगी एंड उसमें थिकनेस आएगी. ठीक है, और यहाँ पे देखोगे कि यूट्रिन वॉल जो होती है वो थिकने आने की वजह से यूट्राइन वॉल क्या है,
इंक्रीज्ड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे जो सेकंड फेज है फॉलिकुलर फेज देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास फेज जो रहती है वो है ओवुलेटरी फेज, थर्ड फेज, स्टार लगा देती हूँ। वैसे तो इसको कुछ बुक्स में अलग से नहीं कंसिडर किया जाता, लेकिन यहाँ पे हम अलग से कंसिडर करके बात कर रहे हैं ओवुलेटरी फेज। ठीक है, ओवुलेटरी फेज के अंदर क्या होता है, ये अप्रोक्सीमेटली 14th डे जो है हम ओवुलेशन का आइडियल मानते हैं। ठीक है, ये इसको फर्टिलिटी किस मैक्सिमम चांसेस जो है वो इसी दिन होते हैं कंसीव करने के, क्योंकि ओवा जो होता है वो रिलीज होता है। ठीक है, और एलएच का जो सिक्रेशन है यहाँ पे इंक्रीज रहता है। ठीक है, इस फेज में अगर हार्मोनल की बात करें तो एलएच का लेवल यहाँ पे क्या आएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और एलएच का लेवल जो है 14th डे पे हमेशा ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे एलएच की जो है इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीज या मैक्सिमम लेवल जो है वो लीड करता है, यानी कि यहाँ पे जो ये एलएच अर्ज है वो इंड्यूस करेगा, एलएच का इतना हाई लेवल या मैक्सिमम लेवल क्या करेगा, इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल जो रप्चर हो जाएगी तो उससे क्या होगा, यहाँ पे रिलीज होगा क्या, एग, रिलीज ऑफ ओवम। ठीक है, वैसे तो ये ओवम एज ए सेकेंडरी ओसाइट में लिख देती हूँ, सेकेंडरी ओसाइट होता है जो कि मेटाफेज में क्या रखा होता है, अरेस्ट हो रखा है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोला जाता है, ओव्यूलेशन। ठीक है, तो बेसिकली ओवुलेटरी फेज में ओव्यूलेशन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे सामने जो फेज रहती है वो होती है थर्ड ल्यूटियल फेज। अब हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं फोर्थ ल्यूटियल या फिर इसको सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, काफी सारे नाम हैं इसके, या फिर इसको प्रोजेस्ट्रोनिक फेज, ठीक है, बोला जाता है, या फिर इसको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद हो रहा है ना, तो इसको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज बोला है। ठीक है, सो अब इस फेज में क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं हार्मोनल चेंजेस की बात करें इस फेज के अंदर क्या होगा, हार्मोनल चेंजेस। तो आप यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस में क्या देखते हो, यहाँ पे GnRH, LH, FSH कंपैरेटिवली लो हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो लेवल है वो प्रोजेस्टेरोन का इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो GnRH, LH, FSH कंपैरेटिवली पहले जितना आ रहा था उसके कंपैरेटिवली क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा किसका लेवल, इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन, इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन। और ये जो प्रोजेस्टेरोन है वो बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक भी जनरेट करता है GnRH के लिए, LH के लिए भी और FSH के लिए भी, क्योंकि अब हमें इनकी किसी की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हार्मोनल का लेवल कुछ इस तरीके से चेंजेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल एज कंपेरेटिव एस्ट्रोजन ज़्यादा रहता है, और एस्ट्रोजन का लेवल रहता है लेकिन प्रोजेस्टेरोन की कंपेरेटिव लो रहता है। ठीक है,
सो यहाँ पे इस तरह के हॉर्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ओवेरियन चेंजेस की अगर हम बात करें, तो ओवेरियन चेंजेस में हम क्या देखते हैं इस फेज के अंदर, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड जो होती है, यानी कि जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है उसके अंदर ब्लीडिंग, यानी कि ब्लड सेल्स जो होती है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्पस हिमोरेगम बोला जाता है, हिमोरेगम रेड कलर का होता है, और फिर वो आबाद में कन्वर्ट होता है इनटू कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, में फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। कार्पस ल्यूटियम जो है वो मैक्सिमम डेवलप होता है ऑन 22 यानी कि सेकेंड डे में हमें देखने को मिलती है कार्पस ल्यूटियम। तो ओवरऑल ओवेरियन फॉलिकल की बात कर रहे हैं, ओवेरियन चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो चुका है। वहीं अगर यूट्रस की बात करें, यानी कि यूटेराइन चेंजेस की बात करें, तो आपको क्या देखने को मिलता है इस फेज के अंदर, यूट्राइन चेंजेस में आप देखते हो कि यहाँ पे जो मोर सिक्रेटरी नेचर हो जाता है एंडोमेट्रियम का, मोर सिक्रेटरी नेचर ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है, इसके अलावा थिकनेस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एंडोमेट्रियम की, थिकनेस ऑफ यूट्राइन वॉल जो है वो यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 23rd डे की बात चल रही है। और यहाँ पे देखोगे कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है ल्यूटियल फेज की, ठीक है। लेकिन जैसे ही ल्यूटियल फेज का जो है टर्मिनल स्टेज आएगी, बिल्कुल लास्ट फेज जा रही है, यानी कि 24-25, क्योंकि 26 पे तो वापस से मेनस्ट्रुअल साइकिल जो है ओवर हो जाएगा ल्यूटियल फेज, तो आप देखते हो कि यहाँ पे जो टर्मिनल फेज है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, टर्मिनल स्टेज ऑफ ल्यूटियल, ठीक है, इस फेज के दौरान, यानी कि जब ये लास्ट में आती है ये फेज, तो उस टाइम पे क्या है कि GnRH, FSH और LH ये हार्मोन कंपैरेटिवली बहुत लो होने वाले हैं, सारे हार्मोन्स का लेवल बहुत डाउन हो जाएगा यहाँ पे, GnRH भी क्या हो जाएगा लो, LH भी लो, ठीक है, FSH वो भी क्या है, लो हो जाएगा, एस्ट्रोजन भी यहाँ पे लो हो जाएगा, ठीक है, इनका जो लो है वो नेगेटिव फीडबैक देता है, जिससे कि प्रोजेस्टेरोन भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे इन सारी चीज़ों के होते क्यों रीज़न है, प्रोजेस्टेरोन लेवल का रीज़न क्या है यहाँ पे कम होने का, बिल्कुल लास्ट फेज है, तो यहाँ आप देखोगे जो कार्पस ल्यूटियम होता है, कार्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, डीजनरेशन, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा, और कार्पस ल्यूटियम बेसिकली किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, कार्पस एल्बिकेंस में, ठीक है, कार्पस एल्बिकेंस में, और ये बात चल रही है 28th डे की अप्रॉक्स, ऑन 28th डे, ठीक है। जैसे ही कार्पस एल्बिकेंस बन जाएगा तो यहाँ पे डज नॉट सीक्रेट एनी हार्मोन, ये कोई भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट नहीं करेगा, डज नॉट सीक्रेट एनी हार्मोन, कोई भी हार्मोन ये रिलीज नहीं करेगा, जिसकी वजह से
क्या होगा, यहाँ पे जो थिकनेस है वो एंडोमेट्रियम वॉल की वो डाउन होने लग जाएगी, थिकनेस ऑफ यूट्राइन वॉल जो है यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और जिससे फिर वापस से ब्लीडिंग फेज क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इस तरीके से मेनस्ट्रुअल साइकिल के तीनों फेज हमने देखे। डायग्रामेटिकली देखें, एनसीईआरटी ने जो इसको एक्सप्लेन किया गया है तो वो इस डायग्राम से किया है। तो एनसीईआरटी के अंदर जो मेनस्ट्रुअल साइकिल है वो कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे आपको तीनों चीज़ें एक साथ देखने को मिल रही है, हॉर्मोन्स का लेवल भी, पिट्यूटरी ओवेरियन दोनों हॉर्मोन्स, एंडोमेट्रियम वॉल यानी कि यूट्रस में क्या हो रहा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट यानी कि ओवरी में क्या हो रहा है, यही तीनों चीज़ें हमने डिस्कशन की थी। तो पहला हम देखते हैं कि मेनस्ट्रेशन फेज, मेनस्ट्रेशन फेज के अंदर जो है वो फॉलिकल्स की प्रेजेंस, हमें प्राइमरी फॉलिकल की प्रेजेंस देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो ये जो फेज है वो बेसिकली ब्लीडिंग फेज रहती है जो कि 1 से 5 दिन की हम कंसिडर करते हैं। सारे हॉर्मोन्स का लेवल आप यहाँ पे देखो तो लो है। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे ये 6 डे से लेके और 13 डे ये जो फेज रहता है वो रहता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में जो है सेकेंडरी और टर्सरी फॉलिकल यानी कि ग्राफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, एस्ट्रोजन लेवल बनता है। तो यहाँ पे इन हॉर्मोन्स का लेवल देखो इंक्रीज हो रहा है, एस्ट्रोजन है, FSH है और LH की प्रेजेंस भी यहाँ पे कम है लेकिन प्रेजेंस देखने को मिलती है। लेकिन लास्ट में यानी कि जो टर्मिनल पीरियड है फॉलिकुलर फेज का, वहाँ पे अगर आप देखो तो LH का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। और इधर आप देखोगे यहाँ पे एंडोमेट्रियम की वॉल क्या होगी, रिपेयर भी होगी। ठीक है, और यहाँ पे थिकनेस भी हमें देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे आता है 14th डे पे ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो जाती है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाती है, LH इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो LH सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे ये फेज ओव्यूलेटरी है। उसके बाद में 15 to 22 तक का जो पीरियड रहता है यानी 23rd तक का जो पीरियड रहता है वो होता है ल्यूटिलाइजिंग फेज। यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो गया, प्रोजेस्टोन का लेवल देखो बहुत ज़्यादा है, ये हॉर्मोन क्या है, प्रोजेस्टोन है। प्रोजेस्टोन के लेवल इंक्रीज होने से एंडोमेट्रियम का जो लेवल है वो भी देखो काफ़ी थिक हो जाता है। फिर 22 to 23rd के बाद में 8 तक आते आते कार्पस एल्बिकेंस बन गया। कार्पस एल्बिकेंस बनते ही धीरे धीरे जो थिकनेस है वो देखो यहाँ पे डाउन होगी और वापस से यहाँ पे मेनस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस डायग्राम के थ्रू हमें जो मेनस्ट्रेशन का फेज है वो एक्सप्लेन किया गया है। तो इस तरीके से आपके सामने ये थी मेनस्ट्रेशन फेज। इसको एक और डायग्राम के थ्रू समझे तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ओवरऑल हम देखते हैं एक और डायग्राम के थ्रू मेनस्ट्रेशन साइकिल। तो अगर आप इस मेनस्ट्रेशन साइकिल के अंदर आप देखो कि पहला जो फेज है वो मेनस्ट्रल फेज होता है, और इस फेज के दौरान अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल में क्या होती रहती है, शेडिंग होती रहती है। ठीक है, एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो यहाँ पे ऐसे ब्लड के थ्रू वेजाइना से होते हुए बाहर निकलती रहती है। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद में वापस से जो फेज स्टार्ट होती है वो होती है फॉलिकुलर फेज, जहाँ पे एग का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, और एंडोमेट्रियम में यहाँ पे थिकनेस जो है बनती है। यहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल जो है उसमें थिकनेस बनना स्टार्ट हो जाती है, रिपेयरिंग एंड थिकनेस होती है। उसके बाद में ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन में आप देखते हो कि ओवरी में जो एग था वो अब कहाँ आ गया, एम्पुला रीजन में। ठीक है, और इधर जो एंडोमेट्रियम के अंदर थिकनेस है वो कंटिन्यूसली हमें देखने को मिलती है। इस तरीके से ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसके अंदर थिकनेस हमारे सामने कंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद में फिर आता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज के अंदर आते आते क्या होता है कि एग का वेटिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है और एग यहाँ से डिजोल्व होता होता यूट्रस की वॉल तक आ गया, और इधर यूट्रस की जो वॉल है वो एग के साथ ही धीरे धीरे वापस से किस में एंटर करती है, मेनस्ट्रेशन फेज के अंदर एंटर करती है, अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज के बाद में। तो इस तरीके से हम मेनस्ट्रेशन साइकिल को एक पर्टिकुलर साइकिल के फॉर्म में कंसिडर करें तो इस तरीके से हमारे सामने साइकिल आता है, जिसके अंदर मैक्सिमम 7 डेज रहता है। वैसे तो 5 डेज आइडियल माना जाता है,
ठीक है, तो मेनस्ट्रेशन पीरियड रहता है, उसके बाद में प्रोलिफरेटिव फेज रहती है, ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ, फिर ओवुलेशन हुआ, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, जो आइडियल तो 14th है, कभी कभी 13th डे भी हो जाता है, 15th डे भी हो जाता है। उसके बाद में कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है और सेक्रेटरी फेज था, और वापस से फिर मेनस्ट्रेशन फेज, कार्पस एल्बिकेंस का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मेनस्ट्रल साइकिल एक साइकिल के फॉर्म में हमने आज समझी, ठीक है। तो ये एक रिप्रोडक्टिव फेज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, फीमेल के अंदर स्पेसिफिक देखी जाती है, मैमल फीमेल के अंदर। अब अगर मेनस्ट्रेशन साइकिल तो तब होता है जब एग को स्पर्म नहीं मिलता, ठीक है। अगर एग को स्पर्म मिल जाए, एग इन द सेंस सेकेंडरी ओसाइट के पास अगर स्पर्म की प्रेजेंस आ जाती है, तब मेनस्ट्रेशन साइकिल नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे कार्पस ल्यूटियम क्या है, मेंटेन रहेगा, और वो प्रोजेस्टेरोन को कंटिन्यूअसली क्या करेगा, रिलीज करता रहेगा, जिससे कि एंड्रोमेट्रियम की थिकनेस मेंटेन रहेगी। सो अब आगे की फिनोमिना हमें देखनी है एज अ फर्टिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा इवेंट स्टार्ट होने वाला है वो है फर्टिलाइजेशन। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, काफ़ी सारी रिएक्शंस हमें देखने को मिलेगी, स्पर्म और एग एग की तरफ स्पर्म अट्रैक्ट होंगे, आपस में उनके अंदर फ्यूजन होगा, काफ़ी सारी रिएक्शंस होंगी और फर्टिलाइजेशन की फिनोमिना कंप्लीट होगी। तो नेक्स्ट क्लास जो हो रहेगी वो हमारी फर्टिलाइजेशन पे होगी। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।